रामनवमी पर 17 अप्रैल को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामकृष्ण जयंती महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने चौड़ा रास्ता स्थित समिति के कार्यालय में शोभा यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया। शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज, गोविंद देव जी मंदिर के प्रबंधक मानस गोस्वामी, काली हनुमान मंदिर के योगेश कुमार शर्मा, समिति के महामंत्री प्रवीण बड़े भैया, धर्म प्रचारक विजय शंकर पांडे सहित अन्य संतों ने पोस्टर का विमोचन किया। अलबेली शरण महाराज ने बताया कि शोभायात्रा सूरजपोल अनाज मंडी से शाम 4 बजे प्रारंभ होगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री रामचंद्र जी मंदिर पहुंचेगी। शोभायात्रा में 35 झांकियां शामिल होंगी। प्यारे लगते हैं, पानी की व्यवस्था होती है, फूल बरसाते हैं, यहाँ तक कीर्तन करते हैं, नाचते गाते सब लोग अपने अपने पोशाक में आकर के श्री राम जी के कीर्तन में उपस्थित होते हैं। और उस तरह से जो बहुत बड़ा मेले के रूप में था ही, परंतु शोभा यात्रा के रूप में मनाया जा रहा है। आज बड़ी शोभा यात्रा में आप सबको बहुत बहुत स्वागत सत्कार है, सब लोग मिलकर बजा रहे, ये मेरी शुभकामना प्रार्थना है। सभी से व्यापार मंडल से सभी परिगण से प्रार्थना है कि सब लोग उस तरह से बिता के आ रहे थे और ये दिखा दें जिस तरह से राम जी का हृदय हुआ भव्य आनंद हुआ, वैसे ही आज शोभा यात्रा में भी ऐसा ही आनंद बसे और दर्शन का लाभ मिले सबको। घर घर में आरती हो रही, घर घर में मंदिर में ज्यादा लगे, तब हमारे राम जी और भी प्रसन्न हो जाएंगे कि भव्य भव्य होना चाहिए। आप लोगों की मेरी व्यापारी गणों से, व्यापार मंडलों से बहनों अनुरोध है कि वो अपने अपने व्यापार मंडलों के अंदर राम जी का ऐसा स्वागत करें कि जो भूतों ना भविष्य और आनंद के साथ राम जी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जाएं और राम जी के ठिकाने पर।